अभी मैं बात करूंगा आज कि अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, उत्पादन क्षमता कैसे इंक्रीज करें। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अध्ययन महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कम समय में ज़्यादा काम करे, मगर होता क्या है कि हमको यही समझता नहीं कि हमारा टाइम कैसे जाए, हम टाइम कैसा वेस्ट कर रहे हैं। देखो, प्रोडक्टिविटी जो है वो हम यदि तीन हमारे पूरे काम यदि हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। एक है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी कौन सी है, वहाँ कितना टाइम जा रहा है हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, क्लीनिंग मोबाइल फोन विथ जंक, यूट्यूब पे ऐसी कुछ तो भी सुनते जाना, यूट्यूब के वीडियोज, ये सब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी है कि अपने टीम को तैयार करना, मैनेजिंग फंड्स, टीम का ट्रेनिंग जो है वो, और खुद का लर्निंग, ये प्रोडक्ट एक्टिविटी है और उसमें 15% टाइम जाना चाहिए। 5% टाइम जो है वो नॉन प्रोडक्ट एक्टिविटी जाना चाहिए और 15% टाइम अप्रॉक्सीमेटली जाना चाहिए प्रोडक्ट एक्टिविटी पे। 15 और 5 हो गए 20। 80% टाइम यदि आपका इसमें जाता है कि आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग, क्रिएटिंग वेबिनार्स, क्रिएटिंग न्यू यूट्यूब वीडियोज, पब्लिशिंग देम, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में जाना, रिलेशनशिप डेवलप करना। और वो यदि आप करते हैं सेमिनार्स, वेबिनार्स, रिलेशनशिप डेवलप करना, फिर मेडिटेशन करना, कनेक्टिंग विथ द इनर सेल्फ एज वेल एज हायर सेल्फ, सुपर प्रोडक्ट एक्टिविटी, तो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हमको खुद को यदि मोटिवेटेड रखना है डेली बेसिस के ऊपर तो दो बातें हैं। एक है कि मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स हमें आता है। जैसा एक मोटिवेटेड सेमिनार मैंने किया, मोटिवेशनल सेमिनार, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो हमको मोटिवेशन मिलता है, किताब पढ़ लिया, खादी कदा जोर से चढ़ा के बाद भाषण सुन लिया तो हमको बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेटेड होते, मगर वो टेम्पररी टिकता है। एक्चुअली मोटिवेशन जो है वो इनर मोटिवेशन बहुत महत्व का है और वो आता है आपका पर्पस, आपका इंटेंशन, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका जीने का उद्देश्य, आपका विजन, वहां से आता है। वो यदि आपका पक्का है, वो यदि आपका क्लियर है, आप सुबह उठते हो बेड से वो इसलिए कि आपका विजन क्लियर है और विजन फुलफिल करने के लिए आप उठ रहे हो, तो आप हरदम मोटिवेटेड रहेंगे। दैट इज इनर मोटिवेशन। तो वह आप हरदम कनेक्टेड है आपके विजन से, आपके गोल से, आपके गोल कार्ड्स लगे हुए हैं, और फिर ये मैनेज करने के लिए आपका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है कि जो आपको अकाउंटेबल पकड़ रहा है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। कोई तो भी आपका कोच है कि जो कोच आपको कोचिंग कर रहा है, आपको होल्ड टू अकाउंट कर रहा है और आपसे करवा के ले रहा है, वो बहुत जरूरी है। मगर हम कोच वगैरह बहुत रेजिस्ट करते हैं, हमको कोई ऐसा पूछने वाला नहीं होना ऐसा लगता है। आपका टाइम यदि आप हाई प्रायोरिटी एक्शन से फिलअप नहीं करेंगे, आपका टाइम यदि आप हाई प्रायोरिटी एक्शंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन से आप आपका डे यदि फिलअप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन से आपका डे फिलअप हो जाएगा। लो प्रायोरिटी टाइम पास करने वाली एक्टिविटी हो जाएंगी और वो बीच बीच में आएंगे ना, आपका दिन निकल जाएगा। तो आपका दिन यदि प्लान्ड है कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट वर्क मैं करने वाला हूँ, कौन से अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क, और अर्जेंट से भी कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैं करने वाला हूँ, और वो आप यदि करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इम्पॉर्टेंट वर्क कौन से, जैसा मैंने बताया कि भाई आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, इम्पॉर्टेंट वर्क है, रिलेशनशिप्स है, फैमिली के साथ में आपका कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, रिलेटिव्स के साथ में आपकी कनेक्टिविटी, आपकी टीम्स के साथ में आप कनेक्टेड हो, उनके लाइफ में उतर रहे हो, कम से कम 20 रिलेशनशिप्स आप तैयार कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, कंटिन्यूअसली यू आर ऑन द मार्केटिंग मोड, तो डेफिनेटली आप जो है वो एक अलग लेवल पर चले जाएंगे। हमारे न्यूज़ चैनल जो है बहुत ही बैड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे अखबार, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल, छोटी सी न्यूज़ रहती है वो बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वो बोलते रहते हैं और हमारा दिन खराब कर देते हैं। एक्चुअली दिन में हमारे मतलब दिन भर में वो चालू रहता है, यदि आप टीवी के सामने बैठे हो तो बार 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 वही न्यूज़, बार 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 वही न्यूज़ आते जाएंगी और हमारा दिल, हमारा दिन, हमारा विचार पूरा खराब कर देगी। तो वहाँ से हमको दूर रखना पड़ेगा खुद को न्यूज़ चैनल से, क्योंकि वो बहुत ही डैमेजिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत ही बैड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम जितने मेंटल एंड इमोशनल फ्रिक्शंस अवॉइड करेंगे लोगों के साथ में उतना हम फ्री रहेंगे, फ्रीडम रहेगा। रिलेशनशिप में यदि हम देखते हैं कि भाई किसके भी साथ में इनकम्प्लीशन नहीं है, हर व्यक्ति के साथ में आप कंप्लीट हो, नो विथहोल्ड कम्युनिकेशंस, कोई फ्रिक्शन नहीं है,
विथोल्ड कम्युनिकेशन नहीं है, क्लियर आप बोल रहे हो, ट्रांसपेरेंसी है, और आप हरदम लोगों के लिए खड़े हो, तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ से मिलेगी। कभी भी आप सोने के समय फाइट या क्वारल या स्ट्रेस लेके कभी भी सोने को जाना नहीं चाहिए। सोने के पहले हरदम ये हमने देखना चाहिए कि हम वो सब क्लियर करके जाते हैं बेड के ऊपर, क्योंकि यदि आपके दिमाग में स्ट्रेस है, तनाव है, फाइट है, क्वारल है, कुछ ना कुछ चालू है, तो इट्स वेरी बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, और अपनी नींद डिस्टर्ब करेंगे, हमको मालूम नहीं रहता कितनी डिस्टर्ब करती है, दूसरे दिन प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर हो जाता है। हरदम आपका समय यदि मार्केटिंग में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वेबिनार्स कर रहे हो, मार्केटिंग टीम के साथ में ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट कर रहे हो, आपका जो माल है वो बेचने के मोड में आप हरदम हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है। मगर हम यदि ऑफिस में बैठे रहेंगे और लोग मेरे तरफ आएंगे, लोग मेरे को कांटेक्ट करेंगे, मेरे पास आके मेरा माल खरीदेंगे, ऐसा होने वाला है नहीं। इतना लोगों के पास में जाओ, इतना लोगों के पास में जाओ कि आइदर दे विल लव यू और दे विल हेट यू, बट दे कैन नॉट इग्नोर यू, इतना होना चाहिए। तो देखिए आप फिर एक अलग लेवल पे आपका बिजनेस लेके जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होंगी और आपको एक चैन की शांति की नींद आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, 24/7 आप प्रोडक्टिव रहेंगे। हरदम कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, हायर सोल, वहाँ से आपको एनर्जी मिलने वाली है। हरदम ये देखो कि हु आर यू, आप है कौन, आपका आने का उद्देश्य क्या है, आप जब ये दुनिया में आए तब की दुनिया और आप जब जाएंगे तब की दुनिया कुछ आप फर्क करके जाने वाले हैं क्या, वो देखिए, वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करो, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।